तो हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ सुपरमार्केट सिमुलेटर। पिछले वीडियो भाई हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने लोन लिया था $750 का भाई बैंक से, तो वो लोन भी चुकाना है एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें लगानी है स्टोर पे। तो भाई आगे चलते वीडियो में, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई मार्केट वगैरह का प्राइस चेंज हो चुका है, चोक पिक का प्राइस बढ़ चुका है भाई, पास्ता वगैरह का प्राइस कम हुआ है। तो भाई चलते हैं स्टोर को करते ओपन एंड आई थिंक सामान अभी सारा ही है लगभग। हमारे पास दो तीन चीजें नहीं होंगी तो वो मंगा लेंगे। दूध नहीं है भाई अपने पे, तो दूध को मंगा लेते भाई, ऑर्डर देते दूध का, मार्केट में जाते हैं, वेयर इज मिल्क, मिल्क का ऑर्डर देते भाई, क्योंकि मिल्क हमारे पास है नहीं, तो एक क्रेट मिल्क का मंगा लेते हैं। पास्ता भी नहीं है, पास्ता मंगाना है। मैक्स हो चुका है लगभग सामान, तो इनको मंगा लेते हैं, परचेज कराए एंड देखते भाई सामान आने में कितना टाइम लगाता है। सामान स्टार्ट, ओ भाई बहुत सामान आ गया भाई। चलो दूध आया, दूध को लगा देते भाई हमारे यहाँ पे एंड देखते भाई कितना आज प्रॉफिट होता है, क्योंकि भाई काफ़ी सारा काम अपने को करना है अभी हमारी दुकान में। बढ़िया भाई बढ़िया, कस्टमर आ तो रहे भाई धड़ाधड़। अंडे भी आ रखे हैं यार अंडे, बट हमारे पास है शायद यार, देखते कितने अंडे आते हैं, वरना इनको भाई रखना पड़ेगा कहीं और। लो भाई इसको यहीं फेंकना पड़ेगा, आई थिंक इसको यहीं पे कोने में फेंक देता है अभी। बाकी भाई कस्टमर से देखते हैं कितना सामान लिया है कस्टमर ने। लेट्स गो मेरे भाई, अंडा लिया और दो भाई अपने, दो अंडे लिया है, एक दूध का पैकेट लिया है। लेट्स गो मेरे भाई, जाओ आपका हो गया काम यहाँ पे। इनका प्राइस देना है $11, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। पहला कस्टमर भाई आज के दिन का। एंड भाई इस बंदे ने काफ़ी सामान लिया है मेरे भाई, इसने तो बहुत ज़्यादा सामान लिया है। इसके भी भाई प्राइस कटेगा अपना यहाँ से भाई, कार्ड वाले लोग का भाई सही रहता है प्राइस भी भाई अपना एकदम नॉर्मली, चेंज भी नहीं देना पड़ता ये, तो ये बहुत अच्छा काम है हमारे लिए। और तेज वाले डब्बे में भाई पानी की बोतल यार आई थिंक थी अपने पे बात भाई, हर चीज़ के लिए भाई जगह कम पड़ रही है भाई अपनी दुकान पे। अब इन चीज़ों को रखते हैं भाई यहाँ पे एक एक करके। तेल की बोतल, तेल तो भाई अपने पे काफ़ी था, मैंने तेल क्यों मंगा लिया, बट कोई बात नहीं, चलो मंगा लिया तो भाई देखो काम तो आने ही, ऐसा है नहीं कि काम नहीं आएगा, काम भाई सारी चीज़ आनी है। इसका प्राइस कम हुआ है मेरे भाई शायद, तो इसको लगाते हैं भाई। एक कस्टमर भाई वेट भी कर रहा है चेकआउट के लिए, आ रहा हूँ भाई रुको एक मिनट। और भाई लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं करा तुम लोगों ने एंड इसने भी काफ़ी सारा सामान खरीदा है मेरे भाई, कोई कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है। $74 देने भाई, $74 ओके नाइस ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, इसने भी काफ़ी सामान खरीदा भाई, ये भी कैश ही दे रहा है, $2 देने बस, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। एंड भाई दीदी आई है, दीदी को क्या चाहिए यार, दीदी को चाहिए आई थिंक चेंज ही नहीं चाहिए दीदी को, बहुत सारे प्रोडक्ट है भाई जो सेम नहीं है यार। चलो पास्ता लगाते हैं, पास्ते भी आ चुका था। फ्रिज मेरे को एक और लगाना पड़ेगा भाई, एक और फ्रिज आई थिंक लगा लेता हूँ भाई, सही रहेगा। ब्रेड आ गई है, ब्रेड को भी लगा लेता हूँ, वो ब्रेड भी खत्म हो गई भाई, सबसे ज़्यादा आई थिंक बिकने वाला सामान ही ब्रेड है, क्योंकि भाई ब्रेड आई थिंक बहुत ज़्यादा बिकती है भाई। एंड ये चीनी पाउडर भाई, इसका नाम थोड़ा सा सस्पिशियस टाइप है भाई, सुसु पाउडर, तो ठीक है यार इसको लगा दे हम लोगों ने। एंड फ्लावर आ चुका है, फ्लावर भी हमारा खत्म हो गया था, फ्लावर को लगाते हैं एंड इसको करते हैं भाई बंद यहाँ से एंड लेट्स गो कस्टमर के पास चलते हैं। इसने भाई बस एक अंडे की ट्रे ली है एंड चेंज भाई इसका, अच्छा ओके, ये भाई हमारे कार्ड वाले बंदे मेरे भाई, लेट्स गो नाइस, इनको भाई चेंज देना है। $19 का सामान लिया है बस। अच्छा कॉफ़ी नहीं है भाई, अपने को कॉफ़ी मंगानी पड़ेगी, चाय है अपने पे, कॉफ़ी नहीं है। मेरे को चाय का पैकेट देख के ही लगा था कि कॉफ़ी है दुकान में, बट भाई कॉफ़ी नहीं है, चाय है अपने पास, तो कॉफ़ी का ऑर्डर दे देते हैं। एंड आई थिंक भाई एक और फ्रिज में मंगा लेता हूँ यार, क्योंकि देखो फ्रिज के लिए पैसे तो हो गए, फ्रिज मंगाना सही रहेगा अपने लिए। एंड $16 देने इन भाई को वापस, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। इनने भाई बस एक चाय का पैकेट लिया है मेरे भाई एंड चेंज इनको देना नहीं है, क्योंकि कार्ड से पेमेंट होगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चाय भी खत्म हो चुकी है मेरे भाई। सबसे पहला काम भाई हम लोग मंगाते हैं, मार्केट में जाते हैं, फर्नीचर में जाते हैं, फ्रिज मंगाना पड़ेगा यार, क्योंकि फ्रिज है ही नहीं भाई। अब $300 का भाई शेल्फ आ रही है, मिनी फ्रिज भी है भाई एक, तो मिनी फ्रिज आई थिंक नहीं यार उतना सही नहीं रहेगा, डिस्प्ले फ्रिज भी अच्छा है भाई एंड डिस्प्ले फ्रिज डबल 200 का है, तो इसको मंगाएं आपकी बार, चलो इसको मंगाते हैं डिस्प्ले फ्रिज को। ओके नाइस, $100 का सामान, अरे भाई ये काफ़ी अच्छा सामान लिया है, इनको चेंज देना $32 मेरे भाई, $3 ओके, $32 का सामान लिया था उनने पिछली बार, उनने भी काफ़ी अच्छा सामान लिया है, इनको देने भाई $1 ओनली, लेट्स गो यार। देखो ऐसे कस्टमर आते हैं तो फायदा होता है भाई, हमारी दुकान का ही फायदा है, नॉर्मली ऐसे कस्टमर आए तो भाई बहुत अच्छा फायदा हमारे लिए, क्योंकि देखो वो सामान भी ज़्यादा लेते हैं, पेमेंट होते हैं भाई उनकी मोस्टली टाइम भाई कार्ड से, तो वो चीज़ अच्छी है। ओके नाइस यार नाइस, फ्रिज आ चुका है भाई, फ्रिज लगाना है अपने को मेन, तो इस वाले फ्रिज को हम यहाँ लगा देते हैं एंड इसमें देखते हैं भाई क्या क्या रख सकते हैं, आई थिंक इसमें चीज़ रख सकते हैं हम लोग। ओके नाइस यार, ये वाला फ्रिज ज़्यादा अच्छा है भाई, लेट्स गो, इसको रखते हैं यहाँ पे एंड पानी की बोतल भी रखी देते हैं इस फ्रिज में। सामान भाई इसमें भी उतना ही आ रहा है आई थिंक, उससे कम सामान आ रहा है मेरे ख्याल से, तो बाकी कोई बात नहीं भाई, जितना है उतना बढ़िया है हमारे लिए। एंड
ये भाई अंडे रखे हुए हैं, अंडे को तो यही रख देते हैं भाई, अंडों के लिए तो जगह है आई थिंक, अंडों के लिए जगह है मेरे भाई। एंड एक और कस्टमर खाली खड़ा है, इसको जाके भाई पहले इसके रुपए बराबर करें भाई हम लोग। तो तेल की बोतल लिया भाई इन लोगों ने, एंड $6 का सामान लिया बस। ओके नाइस, आपने कितने डॉलर का सामान लिया सर? $23, लेट्स गो 23, एंड आपका भी डन हो चुका है। बाकी भाई अपना एक बार पेमेंट वगैरह देख लेते हैं, अगर पेमेंट नहीं होगी तो भाई हम लोग अपना बैंक का भाई मैनेजर पे ऑफ अर्ली नहीं हो सकता, भी पेमेंट इनको पे कर देते हैं, इसको भी पे कर देता हूँ भाई, क्योंकि तो जितना पे रहेगा उतना सही ना। टोटल डेप्ट अभी भाई 690 है मेरे भाई, तो डेप्ट तो भाई देखो अभी ज़्यादा ही है अपने पास। एंड मार्केट में जाके देखना कुछ और है क्या नया, पेंट वगैरह नहीं कराना, प्रोडक्ट देखने मेरे भाई। वाटर फ्रिज चीज़, कॉफ़ी मंगानी थी तो कॉफ़ी एक मंगा दिया मैंने, क्योंकि कॉफ़ी की नीड भी है भाई, कॉफ़ी तो बहुत लोग मांग रहे हैं। और आई थिंक कॉफ़ी वन ऑफ द एक्सपेंसिव आइटम है हमारी शॉप पे फिलहाल के टाइम पे यार, तो कॉफ़ी को लगा देते हैं एक बार काउंटर पे। कॉफ़ी भाई 6 पैकेट आते हैं $60 के ब्रो, कॉफ़ी थोड़ी नहीं, कॉफ़ी बहुत महंगी है मेरे भाई, इसका प्राइस मैं सही बेच रहा हूँ, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा। इन्होंने कितने डॉलर्स का सामान लिया भाई? $19 चेंज दे रहे हैं, 10, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 50 सेंट्स, लेट्स गो। कॉफ़ी है तो यार, अच्छा थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, कॉफ़ी थी यार वैसे अपने पास। इनका चेंज होएगा भाई $19 एंड ये कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है यार। एंड भाई अगली वीडियो जो आएगी चैनल पे वो आएगी भाई क्रिकेट 24 की, तो करियर मोड आने वाला है उसका भी अगली वीडियो में, तो उसके लिए भी वेट कर ही लेना मेरे भाई। एंड इनने चीज़ लिया, चलो चीज़ बिक तो रही है कम से कम, ये चीज़ अच्छी चीज़ के बारे में यार, ये बिक तो रही है 46 सेंट्स, इससे भी कम मांग लेते मेरे भाई। US सेलिंग प्रोडक्ट विदाउट सेटिंग इट्स प्राइस, क्या बेच रहा हूँ भाई मैं? चीज़ तो नहीं बेच रहा हूँ, आई थिंक भाई चीज़ ही बेच रहे थे हम लोग, तो प्राइस वाइज इसका कर देते $3 आई थिंक, इसका प्राइस हम लोग $3 करके सेट करते भाई, क्योंकि इसका प्राइस सेट नहीं था। एंड इन कस्टमर को भाई देने के बाद हम लोग दुकान को बंद करेंगे, क्योंकि आज का डे निकल ही चुका है। एंड भाई आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा है भाई हमारा, क्योंकि मैंने 2-3 तो पेमेंट कर दी, एंड फ्रिज भी ले लिया हमने डबल वाला, तो ये चीज़ ठीक है यार, $1 देना है बस भाई। कितना कम सामान बिका आज, वैसे सामान देखो बिका तो बहुत था भाई, क्योंकि हमने सामान भी ज़्यादा ले लिया है, फ्रिज वगैरह ले लिया, दैट्स व्हाई आज का दोस्तों थोड़ा प्रॉफिट होएगा वो कम होएगा मेरे भाई, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है आज का। अच्छा टी खत्म हो गया भाई हमारे, टी को भी लेना पड़ेगा यार, टी खत्म हो चुके हैं, कस्टमर आए जा रहे हैं भाई। $51, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। 510 नहीं मेरे ब्रो, 51 एक बार भाई आगे जाके भाई इसको क्लोज कर दूँ ताकि और कोई ना आए। एंड ये लास्ट कस्टमर है आज के डे का, एंड इनने काफ़ी अच्छा सामान लिया है मेरे भाई, इनका सामान करते हैं पेमेंट करते हैं इनकी, एंड इनको देने भाई $1.50 ब्रदर्स, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। $249 हुए भाई आज का, एंड फिनिश करते भाई आज का डे। एंड आज के डे भाई day 7 चल रहा है, एंड प्रॉफिट हमारा आई थिंक भाई बैलेंस बचा हुआ है, प्रॉफिट सिर्फ $52, बाकी ठीक है यार। ओके बोतल का प्राइस बढ़ चुका है मेरे भाई, एग्स का और भाई लेस्पीड ऑयल्स का प्राइस कम हो चुका है, रेंट हमारा जा चुका है ब्रो, रेंट वगैरह सब कुछ। एंड हमको टी मंगानी है, ये चीज़ याद रखनी है, पहले टी मंगा लेते उसके बाद दुकान खोलेंगे मेरे भाई। टी वेयर इज टी? ये रही भाई ब्लैक टी, एक आएगी ऑर्डर करते हैं एंड मंगा लेते हैं भाई ब्लैक टी को। तो चलो मेरे भाई ब्लैक टी आ चुकी है, ब्लैक टी लेके चलते हैं, ब्लैक टी को भाई लगाते हैं। और भाई कॉफ़ी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है यार, कॉफ़ी आई थिंक सबसे जल्दी ख़त्म होने वाला आइटम बन चुका है हमारी दुकान का। बाकी भाई ब्लैक टी काफ़ी सारी आती है भाई, 16-20 पैकेट आते हैं ब्रो ब्लैक टी के, तो ये अच्छी बात है। एंड कॉफ़ी भी आई थिंक हमको मंगा लेनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी हो रही है ख़त्म, तो कॉफ़ी का भी एक ऑर्डर दे ही देता हूँ भाई मैं, वेरी इज कॉफ़ी, ये भाई कॉफ़ी, इसको मंगाते हैं एंड लेट्स गो मेरे भाई। कॉफ़ी भी आ चुकी है, कॉफ़ी का प्राइस सेट है। चलो कॉफ़ी बिकती बहुत ज़्यादा है यार, ये चीज़ तो है, मतलब कम आती है बट भाई बिकती काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे अमाउंट में है। यहाँ से भाई अपने इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं कितने कस्टमर्स आते हैं, ये वाला जगह भी हमको खोलनी है। फ्रिज में भाई अंडे आई थिंक नहीं है भाई, तो अंडे भी मंगाने पड़ेंगे यार, मैंने ध्यान नहीं दिया अंडों के लिए, लेट्स गो भाई अंडे मंगा ही लूँ भाई, क्योंकि आई थिंक सुबह सुबह अंडों के कस्टमर्स तो आएंगे यार। एक कैरेट अंडा मंगा लेता हूँ एंड दूध भी नहीं है भाई आई थिंक, तो इन दोनों चीज़ों को मंगा लेता हूँ भाई। चलो भाई दूध आ चुका है, दूध को लगाते हम लोग जाके, इधर लगाते हैं भाई अब की बार दूध। ये वाला फ्रिज भाई छोटा है यार, सच में ये छोटा फ्रिज तो है। ओके नाइस, एंड यहाँ से भाई अंडे ले जाते हैं, अंडे लगाने हम लोग को, अंडे भी यार इसी फ्रिज में लगा देता हूँ, ऊपर वाली रेक में लगाएंगे हम लोग अंडे अपने। 8 पैकेट आते हैं भाई अंडों के, ये चीज़ अच्छी है भाई अंडों के लिए। बाकी ये सामान लेने आया भाई, इसके लिए पहले ही आ जाते हम लोग, लेट्स गो। नाइस, 3 बार चीनी लिया भाई, भाई ने 3 चीनी का पैकेट। ओके थैंक यू सो मच ब्रो, $60.80। और कुछ मंगाने का? पेमेंट देखता हूँ भाई, पेमेंट नहीं होगी तो मैं अभी दिन में ही कर दूंगा। मैनेजमेंट में परचेज करना प्रोडक्ट लाइसेंस मेरे भाई, तो अगली बार हमारे जो चांस रहेगा
उसमें भाई हम लोग चांस भाई कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट लाइसेंस को हम लोग लें, सेक्शन भी खुलेगा और अभी हायरेशन भी खोलनी है भाई, हायर भी करना हम लोग को, एंट्रेंस चेंज करने के लिए काफी पैसे चाहिए यार। एक चीनी का पैकेट लिया है बस भाई, वाओ नाइस, $4 एंड इट्स डन यार, सिर्फ एक चीनी का पैकेट ब्रो। चलो इससे दो दूध ले आए, ये ठीक है, $6, थैंक यू सो मच। $51 हुए हैं भाई अभी तक बस भाई, आई थिंक दो तीन सामान तो हमारे खत्म होने वाले हैं क्योंकि भाई चार कस्टमर बैठे हुए हैं यार। तो ये लो भाई, ये बंदा सिर्फ एक ही पास्ता लेके जा रहा है, वाओ, मैंने बोला दो तीन सामान खत्म हो रहे हैं तो बंदा भाई एक ही सामान लेके आया, इस बंदे ने काफी सामान लिया और आई थिंक तेल खत्म हो चुका है भाई, वाओ ठीक है। ये चीज तो एक चीज तो खत्म हुई मेरे भाई, तेल आई थिंक लग भी रहा था, तेल ये भी लेके आई ना, तो तेल खत्म हो गया, तेल का ऑर्डर देना पड़ेगा भाई, एंड चेंज इनको भी नहीं देना है, थैंक यू सो मच। $116, लेट्स गो, आपको कितना देना है, $9 का चेंज देना है, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। तेल का ऑर्डर देते भाई क्योंकि तेल नहीं है दुकान में, तो भाई तेल का ऑर्डर मंगा लेते भाई हम लोग, एक कार्ट मंगाते तेल एंड लेट्स गो भाई। तेल आ चुका है भाई, तेल को करते हम लोग सेट, एंड प्राइस वगैरह हमारा सेट है ही पहले से तेल का, तो इस तेल को लगाते हैं। और कुछ सामान खत्म हो रहा है क्या, ब्रेड आई थिंक ब्रेड है यार, चोकोस खत्म हो चुके हैं ब्रो, तो लेट्स गो, एक बार चोकोस भी मंगा दूं भाई, चोकोस हो चुके क्योंकि खत्म भाई, चोकोस का प्राइस बहुत ज्यादा है यार टू बी ऑनेस्ट, एक बार चोकोस लगा दूं भाई क्योंकि अगली बार जब कस्टमर आएगा तो नाराज होएगा मेरे भाई, तो दैट्स व्हाई हम लोग चोकोस का प्राइस चेंज करते हैं। चलो भाई इनको सामान देते हैं, इनने चोकोस नहीं लिया, शायद इनको चोकोस भी लेना हो मेरे ख्याल से। $24, थैंक यू सो मच सर, मींस अ लॉट। इसने लिया भाई चाय, चाय बहुत बिकती है भाई, इंडिया की दुकान होती तो सिर्फ चाय ही चाय बिकती ब्रो, बहुत चाय पीते हम लोग, मेरे को भी पसंद है भाई। बाकी भाई ये कौन सी गाड़ी है यार, सही लग रही थी भाई। आंटी तो बहुत जल्दी सामान ले आई, अभी तो आई थी आंटी आप, $12.50, लेट्स गो, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट अगेन। क्या नहीं मिला, फ्लावर खत्म हो गया है क्या दुकान में, ओ भाई फ्लावर भी खत्म हो चुका है ब्रो, सो फ्लावर भी मंगा ही लेता हूँ। अरे 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 पे कर दे भाई, फ्लावर मंगाया हम लोगों ने, एक कस्टमर हो रहा है, रुक जाओ सर, आ रहे एक मिनट में, पहले फ्लावर लगा दूँ, सेट कर दूँ भाई। चलो भाई इसको फेंकते, कूड़ेदान में फेंकना था ब्रो, फेंक दिया है। एंड इनने कितना सामान लिया भाई, चीनी लिया है, चाय पत्ती लिया, अंडे लिए, एंड भाई चीज़ लिए, क्या बनने वाला, पानी भी लिया है ब्रो आज इनने, ठीक है, $26.50, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट अगेन। शुगर पाउडर भी खत्म हो गया है, वाओ व्हाट द हेल ब्रो, आज सारी चीज़ें खत्म होनी है मेरे भाई, शुगर पाउडर का भी ऑर्डर दे दो, एक मिनट रुको यार, वेयर इज शुगर पाउडर, शुगर पाउडर का तो नाम भी तगड़ा ही है भाई, सुसु शुगर पाउडर है ब्रो ये, चीनी लेके, चाय पत्ती और दूध, ओके नाइस, $29, लेट्स गो सर, थैंक यू। चलो यार चीनी ला चुका हूँ मैं, चीनी को सेट करते हैं भाई, चीनी बहुत बिकती है यार टू बी ऑनेस्ट, अंडे और पास्ता ओके मेरे भाई, $1 चेंज, थैंक यू सो मच। $145 यार, $400 पे अपने को प्रोडक्ट लाइसेंस मिलेगा, तो वो चीज़ अपने को याद रखनी है भाई, वो चीज़ भूलनी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट भाई तभी ओपन होएंगे जब अपना प्रोडक्ट लाइसेंस ओपन होएगा यार। एंड ये सामान हम ले सकते हैं क्या, नहीं ब्रो। आगे चलो भाई, एक और कस्टमर आ चुका है, इसको भी देखते हैं भाई, अरे भाई बहुत सामान लिया इसने तो यार, $45 का सामान लिया, थैंक यू सो मच सर, मींस अ लॉट अगेन। एंड $190 पे 91 पैसे, पैसे नहीं मतलब सेंट्स मान लो यार, $21, थैंक यू सो मच। अरे पानी की बोतल लिया, वो भी कार्ड से लिया भाई, वाओ नाइस। रहीसी चीज का पैकेट लिया, आई थिंक चीज खत्म होने वाला भाई दुकान में, $6 कुछ मिला, सब मिल गया, इसको कुछ ना कुछ कमी मिली होगी भाई, इतना कम सामान वो सब मिला है भाई, आई थिंक चीज खत्म हो गया, लेट्स गो भाई, सही बोला था मैंने, चीज खत्म हो चुका है, तो भाई चीज को मंगाते हम लोग, वेयर इज चीज, ये रही भाई मंगाते हैं, लेट्स गो, प्राइस पे कर देते हैं, चीज आ चुके मेरे भाई, चीज को लगाते हैं, जाके सेट करते हैं ब्रो, बढ़िया भाई, इसको फेंकते हैं यहाँ पे। एंड एक और कस्टमर आया, दो दूध का पैकेट, एक भाई पानी की बोतल, एंड 50 सेंट्स देने इनको, थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई बॉडी बिल्डर आ रहा है भाई, डेंजर का साइन बना हुआ है आगे, तो इससे तो बच के रहना पड़ेगा। बाकी भाई हमारा आज का प्रॉफिट तो काफी अच्छा होगा आई थिंक, $10, लेट्स गो सर, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट मेरे भाई, लाइट चलानी भाई इसके बाद, लाइट चलाते एक बार, $13, थैंक यू सो मच, चला ली भाई लाइट। ओए इसने लिया भाई सामान, तो बहुत सामान लिया इस भाई ने, $31 का ही पड़ा है बस, वाओ आई थिंक प्राइस हमको ना थोड़ा बढ़ा देना चाहिए सामानों का, बाकी थोड़ा चलने दो अभी, देखो हमारी दुकान चल तो अच्छी रही है, $21.50, थैंक यू सो मच मेरे भाई, मींस अ लॉट। इसने कितना सामान लिया, इसने भाई लिया है $14 चेंज देना, मींस अ लॉट, 307 हो चुके हैं भाई आज, बढ़िया। 9 बजे तक का टाइम है यार, देखते हैं एक घंटा और पड़ा है अपने पास अभी। ब्रेड खत्म हो रही है भाई, ब्रेड का ऑर्डर दे दूँ क्या मैं आज,
चलो भाई ब्रेड का ऑर्डर दे देता हूँ क्योंकि ब्रेड भी खत्म हो चुकी है। अगर अभी लेना होगा तो ले लेगा यार भाई, ले लियो यार अगर अभी लेना हो दुकान में ही अभी तो थोड़ा पता चल जाएगा ना। एंड यहाँ से भाई इसको क्लोज कर देते क्योंकि और बंदे आ ही चुके हैं लगभग, क्योंकि 9 बजे वैसे स्टोर बंद हो जाता है यार। इसको थोड़ा देखते हैं कितने डॉलर देने, $0 चेंज तो 28 को संभाल लिया, थैंक यू सो मच। इसने कितने डॉलर का संभाल, अरे भाई बहुत संभाल लिया इन लोगों ने भी। वाह यार लास्ट में जो अपने कस्टमर आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान खरीद के जाते हैं लोग तो हमारे लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। एंड तुम लोग बताना यार कमेंट सेक्शन में तुम्हें इस गेम के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है मेरे भाई। $10 ही तो देना था भाई, अच्छा $40, ओके थैंक यू। एंड कस्टमर भाई आज ठीक ठाक आए हैं, एक बार एंड करके देखते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है हम लोग को। ओके $177 नॉट बैड यार। दूध का और टी मिल्क का भाई प्राइस कम हो चुका है, ओके ठीक है। एंड यहाँ पे क्या खत्म हुआ है, पानी की बोतल, ओ भाई पानी की बोतल खत्म हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें खत्म हो चुकी है भाई, पानी की बोतल खत्म हुई है एंड दूध खत्म हो चुका है, अंडे मंगा लेता हूँ, बाकी और कुछ हमारे पास ये तो है ही, चाय भी है कॉफ़ी भी है ये भी है, यहाँ पे कुछ और था भाई फ्लावर है ही, पास्ता, पास्ता खत्म हुआ है ब्रो, पास्ता हुआ है, दूध चीज़ और पानी की बोतल, पास्ता भी मंगाना है, पास्ता ये रहा, शुगर पाउडर है ये भी है ये भी है, सब कुछ है भाई। और अपने पास चोको पाउडर भी शायद खत्म हो गया तो इसको मंगा लेता हूँ ब्रो, लेट्स गो यार। चोको पाउडर था बट कोई बात नहीं भाई, हमारे काम ही आना है बाद में तो चोको पाउडर को लगा देते हैं। 3 ही बचे थे यार तो क्या ही फायदा था, इससे बड़े हमने ले ही लिया ना भाई, तो इसको भाई क्या करें, इन दो को देखते भाई को भी कोने पे लग देते हैं मेरे भाई। एंड यहाँ से एक और लेके आना है, पास्ता लगाना है भाई, पास्ता यहाँ पे लग जाएगा, पास्ता के तो भाई 8 ही पैकेट आते हैं तो पास्ता तो बहुत जल्दी खत्म होता है, ये चीज़ हमने देखी है। अंडे आए हैं, अंडे को मैं इस वाली फ्रिज में ही लगाऊंगा, ऊपर की साइड भी और नीचे भी लगी जाएंगे, आई थिंक ऊपर ही लग जाएंगे भाई सारे, नाइस 10 अंडे ऊपर लगे हुए हैं। एंड इसका पैकेट को फेंक देता हूँ मैं। दूध आया भाई, दूध काफ़ी सारा लगाना पड़ेगा यहाँ पे इस फ्रिज में भाई, देखो दूध पूरा इस फ्रिज में नहीं आता है ब्रो, तो दूध के लिए भाई एक बड़ा फ्रिज लेना पड़ेगा ब्रो हम लोग को। एंड पानी की बोतल भाई, पानी की बोतल तो आ जाएगी आई थिंक यहाँ पे, पानी तो चाहिए भाई, नहीं आई यार, 2 जगह में आई है पानी बोतल, ओके मींस अ लॉट बताने के लिए। एंड आई थिंक सारा सामान है, और तेल है, पास्ता है, ये है ये है, चोकोज है, चोकोज को मैं भाई यहाँ लगा देता हूँ, अब ब्रेड और चोकोज ही लगे भाई, लेट्स गो यार। यहाँ से भाई स्टोर को ओपन करते हैं एंड देखते हैं कितने कस्टमर आते हैं आज। बाकी मेरे को एक चीज़ और देखने, कोई पेमेंट रह रही है तो पे कर देता हूँ भाई मैं, वेर इज़ दी पेमेंट मेरे भाई, आई थिंक मैनेजमेंट में जाके, नहीं भाई बिल्स लाइसेंस बिल पे करना है, ओके ग्रोथ भाई लाइसेंस लेना है अपनों को आज, $400 का लाइसेंस है मेरे भाई। पीनट बटर आएगा, फ्लार आएगा, ओलिव ऑयल आएगा, पास्ता आएगा, सोल्ट आएगा एंड राइस, बासमती राइस आएगा भाई, तो आज कुछ भी करके भाई अपने को एक वो तो लेना पड़ेगा यार। बाकी यार एक शेल्फ मंगा लूँ क्या आज मैं, थे टोटल डेप्ट अभी है भाई अपने, मार्केट में जाते हैं फर्नीचर पे जाते हैं, $115 पड़ा है मेरे पे, $115 का सिंगल सेल्फ आ रहा है भाई। चलो थोड़ा बिकने देते सामान, उसके बाद हम लोग भाई अपने मार्केट को आज अपग्रेड करेंगे ब्रो। क्या सामान लेकर आए हो सर आप, ओके थैंक यू मैम, नॉट सर $14 ओनली, लेट्स गो यार, कोई बात नहीं बिके तो सही, जितना बिक रहा उतना बिके, किसी चीज़ की कमी हो तो बता दे कस्टमर तो और बढ़िया मेरे भाई। आप क्या लेके आए हो सर, बस एक पानी की बोतल, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं यार, चलो 50 सेंट हो गए, थैंक यू सो मच भाई। एक ही चीनी, एक कॉफी का पैकेट लेके आया बंदा सिर्फ, व्हाट द हेल, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। स्टोर लेवल, स्टोर का लेवल 7 हो चुका है हमारा, एक लेवल और बढ़ जाएगा अभी आई थिंक भाई, देखते कस्टमर, अरे इसने ओके नाइस, इसने बहुत ज़्यादा सामान लिया है, बस यार थोड़े अच्छे डॉलर्स का सामान हो, 0 ओके थैंक यू, $200 हो चुके हैं, $400 पे भाई पहले हम प्रोडक्ट ले लेंगे यार, प्रोडक्ट लाइसेंस हमारे लिए काफ़ी नीड है प्रोडक्ट लाइसेंस की, क्योंकि भाई उसके बिना नए प्रोडक्ट ऐड नहीं होंगे एंड भाई जो हमारे कस्टमर हैं नए कस्टमर नहीं बनेंगे भाई, मोस्टली हमारे जो कस्टमर है वो पुराने कस्टमर बने हुए हैं, तो देखते हैं भाई प्रोडक्ट लाइसेंस आज मिलता है क्या। हम लोग भाई 400 टच करते हैं क्या आज, कुछ और लेंगे नहीं आज, प्रोडक्ट लाइसेंस लेना है कुछ भी करके मेरे भाई, लेट्स गो, थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट। एंड आपने भी काफ़ी ज़्यादा सामान लिया है आंटी, ठीक है यार पैसे दो, एंड $1 चेंज करना है यार, वाओ ओके चीज़ खत्म हो गया ब्रो, आई थिंक चीज़ मंगा लेनी चाहिए क्या अपने को प्रोडक्ट में भाई, चीज़ कितने की है, चीज़ आई थिंक ठीक ही है भाई, चीज़ मंगा लेते हैं $13, ठीक है यार चीज़ आ चुकी है भाई, चीज़ को जाके लगाते हम लोग, वेर इस चीज़ ये रही है एंड यहाँ पे भाई शोकेस कर देते चीज़ को। देखो भाई प्रोडक्ट लाइसेंस तो आज हम लोग कन्फर्म लेने वाले हैं मेरे भाई,
क्योंकि हमारे पास पैसे हो ही जाएंगे रात के 9 बजे तक। तो यार वो इसने भी काफी ठीक सामान लिया है, ऐसे कस्टमर आ जाए ना 5-6 दुकान में तो भाई काफी बढ़िया बात है। 22.50 डॉलर्स, थैंक यू सो मच मैम, लेट्स गो। 260 डॉलर हो चुके हैं, 140 डॉलर्स का और सामान बिक जाए तो मजे आ जाएंगे भाई। कुछ ना कुछ कम ही हुआ है, कॉफी कम हो चुकी है भाई अपने पास, आई थिंक चाय कम हुई है, कॉफी कम हुई है, अच्छा कॉफी कम हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज थी, पास्ता है अपने पे, के देखते भाई यहाँ पे सब है, यहाँ पे भी सब कुछ है भाई। आगे कुछ ना कुछ कम हुआ है ये कस्टमर हमको बता देंगे। चीनी तो है यार, चीनी तो है अपने पास, कोई ना कोई चीज कम है, मेरे को याद नहीं आ रही। ओके कॉफी नहीं है भाई, तो कॉफी हम लोग मंगा लेंगे यार, अभी मंगा लूँ क्या कॉफी पहले भाई? आज का डे होने दो, प्रोडक्ट लाइसेंस लेते हैं उसके बाद देखते भाई कॉफी आते हैं नहीं। एंड भाई वाओ बहुत सामान लिया है संट ने भी यार, गिविंग भाई नहीं देना, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। 312 डॉलर्स, 400 डॉलर तो भाई हमारे आज ही हो जाएंगे आई थिंक, 8 डॉलर का कार्ड। ओके थैंक यू सो मच सर, 400 तो आई थिंक टच करके भाई अभी मंगा लूंगा मैं प्रोडक्ट लाइसेंस। तो 50 सेंट्स मीन्स अ लॉट, 290। ओ भाई कॉफी मंगानी पड़ेगी यार, रेटिंग कम मिल रही है आई थिंक। कॉफी यार मंगा लूँ क्या यार? कॉफी आई थिंक भाई बहुत महंगी है अभी फिलहाल तो। बाकी चलो लेट्स गो, थैंक यू। एंड आपको कितना चेंज नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। फ्लावर भी खत्म हो चुका है, कॉफी भी खत्म हो चुकी है, तो भाई अब तो मंगाना पड़ेगा, अब दो चीजें खत्म हो चुकी हैं। हम लोग मंगाते हैं भाई सबसे पहले फ्लावर एंड उसके बाद मंगाते भाई कॉफी, लेट्स गो। 64 डॉलर्स, ओके थैंक यू। तीन पास्ता के पैकेट लिए सर आपने, मेन सर लॉट 91 डॉलर चेंज देना है मेरे भाई। वाओ इस भाई ने दो चीज लिए, ब्रेड लिया, आज तो भाई मतलब पार्टी हो रही है भाई के घर पे। हाँ ये मैंने एक ही सेम चीज मंगा दी ब्रो, ये नहीं मंगाना था मेरे को। ओके अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सेम चीज मंगा दी, ये मेरे सोच के गड़बड़। एंड फ्लावर तो है चलो अपने पास, कम से कम चीनी भी है ही भाई। ओके 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 ओके, तीन चाय के पैकेट लिए भाई इनने, एंड चेंज होएगा भाई 50 सेंट्स मीन्स अ लॉट, थैंक यू। 278 डॉलर्स, ओके। स्लाइस ब्रेड, ब्रेड भी खत्म हो गई क्या? व्हाट द हेक मेरे भाई, ब्रेड भी खत्म हो चुकी है ब्रदर्स, तो ब्रेड भी मंगानी पड़ेगी भाई। यार मैं सोच रहा हूँ आज एक दिन ऐसे ही चलने दो, क्योंकि प्रोडक्ट लाइसेंस या कुछ छोड़ ले ही लेंगे यार। शेल्फ भी सोचा था वैसे तो मैं, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। शेल्फ की जगह प्रोडक्ट लाइसेंस ले लें तो काफ़ी अच्छा है यार, 15 डॉलर्स, ओके थैंक यू। फिर हम लोग अगली बार जब वीडियो लाएंगे ना तो उसमें हम लोग भाई नई चीज़ से स्टार्टिंग करेंगे। एंड दूध महंगा कर रखा है मैंने, दूध सस्ता करना पड़ेगा, एंड दूध बिगा भी नहीं है भाई आज। 50 सेंट्स मीन्स अलॉट, लाइट चलानी है भाई। फिर इस मिल्क, मिल्क का प्राइस कितना है? ओके मार्केट प्राइस इतना है ब्रो, 2.27, 2.25 कर दूं मैं, 50 डॉलर्स भाई। अब तो ठीक है, अब बिक जाएगा आई थिंक। बाकी इनने दो पैकेट चीज़ के लिए मेरे भाई, इनको चेंज देना ही नहीं है, लेट्स गो थैंक यू। पास्ता भी नहीं है यार, 314 डॉलर्स हो चुके हैं। अरे भाई टाइमिंग भी होने वाली है, 400 डॉलर आज हो जाएंगे तो भाई बहुत बढ़िया है, वरना तो भाई आज लगने वाले हैं मेरे भाई। अगर आज 400 डॉलर नहीं होते ना तो प्रोडक्ट लाइसेंस भी नहीं ले पाऊंगा मैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, अगले दिन और करना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ हम लोग को। भाई तू करवा दे यार 400 टच, बहुत पास है भाई, 400 पूरा तो टच नहीं होगा ब्रो, बट देखते हैं। 31 डॉलर्स, लेट्स गो। 357, अरे भाई नहीं होगा आई थिंक, आगे देखते हैं ना, चेक करते हैं एक बार, हो जाए तो देखो काफ़ी बढ़िया बात है यार। भाई कुछ ना कुछ गायब ही है, कभी ऑयल गायब है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तू ही बढ़वा दे यार, अभी सारा सामान ले लूँगा। बट भाई अगले सामान के लिए हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ेगा ब्रो, तो ये चीज़ हमारे साथ गलत हो चुकी है भाई। 289, 389 डॉलर्स, इसको करते हैं बंद। एंड नहीं है भाई सामान, पहले भाई सामान मंगाता हूँ मैं, क्या क्या मंगाना है अपने को। ब्रेड मंगानी है आई थिंक यहाँ से भाई, ब्रेड मंगानी है, पास्ता मंगा, पास्ता दो पैकेट मंगा लेता हूँ भाई, ब्रेड भी दो मंगा लेता हूँ। देखो भाई हम लोग को क्या क्या सामान मंगाया, दो ब्रेड, दो पास्ता, ओके। कॉफी भी नहीं है हमारे पास, दो कॉफी मंगा लेता हूँ मैं, ओके नाइस। है मिल्क है, एग्स है, बोटल वाटर है, ऑयल नहीं है, ऑयल भी दो मंगा लेता हूँ भाई, काम की चीज़ है तो कर ही लेते हैं। फ्लावर मंगा लेता हूँ, लेट्स गो यार, अभी इतना ही सामान मंगाते हैं, 200 क्लोज आफ्टर, ओके ठीक है भाई। आज का डे करते हैं कंप्लीट, कल कल ये सामान बचाएंगे, देखते भाई कल कितने की बिक्री होती है। और हमारी बैलेंस अच्छा था, प्रॉफिट भी अच्छा था भाई आज का। दूध का प्राइस बढ़ गया है, चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, और कॉफी का प्राइस कम हो चुका है, दूध का प्राइस, ओके नाइस। इसको कर देता हूँ मैं अब 3 डॉलर, सब तो बिक सकता है भाई 3 डॉलर्स पे। चीज का प्राइस, मार्केट प्राइस 3.51 चल रहा है, मेरा प्राइस अभी कम है तो 4 करता हूँ भाई मैं, लेट्स गो नाइस ब्रो। एंड यहाँ पे किस चीज का हुआ है क्या?
मार्केट प्राइस बढ़ा है भाई, ब्लैक टी $60 कर दूं भाई। चलो यार बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बढ़ाओ भाई मार्केट प्राइस, इसका भी बढ़ा है ब्रो, इसको भी हम लोग कर देते हैं $7, नाइस। चीनी का प्राइस भी बढ़ा है ब्रो, इसको कर देते हैं हम $6, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है आज से हम लोग का। और जो सामान हमने ऑर्डर करा था उनको मंगाते हैं एंड उनको लगाते हैं मेरे भाई। और रे भाई सामान ही सामान आ चुका है यार, एंड पहले आइए तेल का, तेल की भाई बोतलें आई हैं, तेल की बोतलों को करते हैं सेट हम लोग। पास्ता ओके नाइस, हमने हर चीज लगभग दो दो पैकेट मंगाई है भाई आज। फ्लार आया, फ्लार तो यहीं लगेगा भाई, फ्लार थोड़ा इधर लग जाएगा, थोड़ा नीचे लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फ्लार है भाई अभी तो, ओके नाइस नाइस जी, अभी तो इसको यहीं रखे रहने दो, क्योंकि भाई ब्रेड आई है तो ब्रेड तो भाई सबसे ऊपर वाली रैक पे लगा देंगे हम लोग, पूरी रैक भाई ब्रेड की कर देते हैं सबसे ऊपर वाली। लेट्स गो यार, बढ़िया, बहुत सामान है भाई अब की बार, आज तो भाई प्रॉफिट हमारा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मार्केट प्राइस हर चीज का बढ़ चुका है मेरे भाई, तो आज आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है हम लोगों का, बाकी देखते हैं यार। कॉफी आई है, कॉफी का प्राइस भी बढ़ा होगा ना यार फिर तो, आई थिंक कॉफी का तो सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा होगा भाई। पास्ता दोबारा, पास्ता इधर ही लगाऊंगा मैं, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट पैकेज है भाई हमारा कॉफी का, तो इस कॉफी को भी लगा लेते हैं यहाँ पे। एंड एक चीज है हमारा भाई, पास्ता रह गया है ब्रो, एक चीज है भाई हमारा ये रह गया, तो इसको मैं यहाँ बगल में लगा देता हूँ। एंड इसको यहाँ से करते हैं बंद, इसको करते हैं ओपन, एंड देखते भाई आज कितना प्रॉफिट होने वाला है मेरे भाई। प्राइस तो भाई आज हर चीज का बढ़ा दिया तुम्हारे भाई ने, इसको भी चेंज कर देता हूँ भाई मैं, $14 कर देता हूँ इसको, एवरेज कॉस्ट को। चाय पत्ती की भी कॉस्ट बड़ी थी भाई तो वो भी ठीक है, ब्रेड की कॉस्ट बड़ी है क्या यार, ब्रेड तो मैं बहुत ज्यादा प्राइस पे बेच रहा हूँ, बट ठीक है भाई जब तक बिक रहा है बिकने दो, क्या दिक्कत है। एंड भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं तो क्या पता कोई चीज नहीं दिख जाए, सर दुकान पे जाओ, वैसे तो कुछ भी नहीं दिखता यार गेम में, और भी इंटरेक्शन की चीजें होनी चाहिए थी आई थिंक, और अच्छा हो जाता है। एंड ये रही भाई हमारी मार्केट, ओके भाई पहला कस्टमर आ चुका है, देखते हैं क्या लिखा है। दो अंडे के कैरेट बस भाई, इतने समझ चाहिए आपको, $0, थैंक यू सो मच। 155 आज तो भाई 400 करने हैं। एंड सामने वाला रैक कितना भरा भरा दिख रहा है मेरे भाई, ये देखो तुम लोग, ओके कॉफी एक्सपेंसिव है, व्हाट द हेल, ओके मार्केट प्राइस इतना ज्यादा चल रहा है ब्रो, तो मैं भाई इसको कर देता हूँ $10.40 मेरे भाई। कॉफी सच में बहुत महंगी है यार, मैंने भी खुद नहीं देखी थी, $10.44 कर दिया। अब ठीक है यार कॉफी, अब देख लो, अब ले लो, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, मेरे को लगा और ज्यादा प्राइस है उसका। $1 चेंज, थैंक यू सो मच। बोटल वाटर, पानी नहीं है भाई, पानी मंगाना पड़ेगा इसका मतलब हम लोग को, वाओ इनको चेंज नहीं देना, अरे भाई पानी मंगा लेता हूँ, मेरे को लगा नहीं था भाई पानी खत्म हुआ हो इतनी जल्दी, पानी मंगा लिया है ब्रो। यहाँ से प्राइस करते टर्न, इसको करते टर्न, एंड लेट्स गो भाई, पानी आ चुका है हमारा, दो कैरेट पानी मंगा लिया भाई, अब तो पानी ले ही लेना तुम लोग, ठीक है भाई पानी ही पानी आया भाई, अब तुम पानी ही पानी पियो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, चीज खत्म हो गया भाई, ओ तो यहाँ रखता हूँ, चीज मंगानी पड़ेगी भाई आई थिंक। इनने कितना सामान लिया, चीज नहीं है, चीज एक्सपेंसिव बता रहे हैं यार लोग, 28 का चेंज देना है मेरे भाई, 28.50, अरे व्हाट द हेक, इसको वापस लो वापस लो वापस लो, अभी ज्यादा प्राइस देता ब्रो मैं, चीज महंगी है यार, चीज को भी सस्ता करना पड़ेगा, चीज है कहाँ, चीज तो है ही नहीं ब्रो अभी हमारे पास, व्हाट द हेक, चीज तो है ही नहीं, आई थिंक ये चीज है, नहीं दूध ही है, इसने भी काफी सामान लिया है आज, आई थिंक भाई आराम से हम लोग 400 टच कर देंगे, $0.62, 1-2 लेट्स गो मेरे भाई, 242.4, ओके नाइस ब्रो नाइस, कितना चेंज देना है आपको सर, $32 मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ओके नाइस, ये भी भाई काफी बढ़िया प्राइस मनी आज तो भाई, मनी बोल रहा हूँ प्राइस, मनी बोल रहा हूँ प्राइस पर सामान बिक रहा है, जो कि अच्छी बात है, चीज तो है ही नहीं भाई, चीज मंगानी पड़ेगी आई थिंक हम लोगों को, बिन चीज के भाई कैसे ही कोई फ्रिज पे सामान बिकेगा मेरे भाई, तो मंगा लिया भाई चीज, एंड एक बार चीज को लगा दो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कितने पैकेट लगेंगे चीज के, 6 तो लगी गए हैं भाई, नाइस भाई, आई थिंक ये वाली पूरी चीज आएगी नहीं भाई मेरे,
तो इसको यहीं रखना पड़ेगा, हम लोग को यहीं रख देते हैं भाई अभी। ओके, अरे भाई सामान ही सामान है यार, भाई बहुत सारा सामान लिया इसने तो यार, $44 का। नाइस, अरे इसने एक ही सामान लिया, मतलब सामने वाले को देख के सामान लो भाई, थोड़े तो भाई अपने आप को जेलस फील कराओ, तुम लोग भी सामान लो भाई, हमारा ही फायदा है तो करवा दो यार फायदा। $30.44, लेट्स गो। ओके नाइस, क्या लगता है यार आज कितने का प्रॉफिट होने वाला है? $13। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, दो सामान और दिया। एंड यहाँ पे कितना प्राइस चेंज करना है? $6 मीन्स अ लॉट। आपका कितना सामान है? दो सामान है भाई बस। एंड यहाँ पे भाई 6.56। ओके मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज तो भाई 400 कंप्लीट हो जाएगा ब्रो बहुत इजीली। $36। ओके थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट, हो गया भाई 400 टच हो गया इस वाली बिक्री के साथ। एंड प्रोडक्ट लाइसेंस मैं अब ले सकता हूँ मेरे भाई, आज की वीडियो का मेन गोल यही था भाई, मेरे को प्रोडक्ट लाइसेंस लेना था तो भाई मैं ले रहा हूँ जाके, क्योंकि नीड है भाई मेरे को प्रोडक्ट लाइसेंस की। ग्रोथ पे देखते हैं सेक्शन खोल सकता हूँ क्या नहीं, बट आई थिंक भाई प्रोडक्ट लाइसेंस लेना काफ़ी बेटर रहेगा पहले से मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। एंड अगले बार भाई हमारा टारगेट रहेगा कि हमको भाई स्टोर को और बड़ा करना है। यहाँ पे जाके देखता हूँ क्या क्या सामान खुला है मेरे भाई मार्केट, एंड काफ़ी सारा सामान, बासमती राइस, सोल्ट, ओलिव ऑयल, फ्लावर, पीनट बटर, स्पैगेटी, एंड ये चीज़ें, छह चीज़ें ऐड हुई हैं ब्रो, तो काफ़ी ज़्यादा सामान ऐड हुआ है एक तरीके से हमारी दुकान में। ठीक है यार, ये अच्छी बात है, आज का डे कंप्लीट करेंगे एंड देखेंगे लेवल भी बढ़ने वाला है मेरे स्टोर का यार। वैसे मीन्स अलॉट कितने का सामान है? $22 मीन्स अलॉट सर, थैंक यू सो मच। $71 बाकी भाई, ये चीज़ें लगा देते हैं जो चीज़ें छूटी हुई हैं, पानी की बोतल मैं अभी लगा ही नहीं सकता। ओके थैंक यू बताने के लिए, चीज़ आई थिंक लग जाएंगी, दो तीन पैकेट तो लग जाएंगे। ओके थैंक यू, यहाँ पर और कुछ है नहीं भाई ऐसा लगाने के लिए। हमारे भाई चोकोस ख़त्म होने वाला है, चोकोस ख़त्म हो भी चुका है तो चोकोस मंगा लेता हूँ भाई, लेट्स गो यार। चोकोस भी मंगा लिया मैंने, चोकोस लगा दूँ भाई, ख़त्म होने के साथ साथ चोकोस लगा देता हूँ ब्रो। अरे भाई बहुत बिका, अरे काफ़ी सामान बिक चुका है ब्रो, चोकोस बिक चुका है, फ्लावर है, और देखते हैं और क्या क्या बिका है भाई। अभी पानी की बोतल तो बिक रही है भाई, देखो पानी की बोतल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है भाई अपना, मीन्स अलॉट। लाइट ऑन कर देता हूँ, तेल खत्म होने वाला है क्या? ये तेल तो है, कुछ ना कुछ एक चीज खत्म हुई है अपने, वो हमें पता नहीं चला। शुगर पाउडर, ओके नाइस, थैंक यू सो मच भाई, शुगर पाउडर खत्म हो चुका है। $2.50 अगेन दे रहे हैं इनको, तो लेट्स गो। $2.50। एंड आपको कितने देने हैं भाई मेरे? $6 मीन्स अ लॉट सर। स्पैगेटी, पास्ता स्पैगेटी, ओके अब सामान लिया तो भाई वो सामान मंगाना भी पड़ेगा मेरे भाई अपने को। $14, ओके सर थैंक यू। बासमती राइस, अगला दिन भाई बहुत मेहनत का काम होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे आइटम हम लोग को मंगाने हैं। एंड आई थिंक भाई वो है ना, हम लोग भाई अगली वीडियो में ही मंगाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा काम है उसके लिए हम लोग को, तो वो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भाई $26 की बिक्री हुई है, देखते हैं भाई लेट्स गो, थैंक यू सो मच। $140 हो चुके हैं कम्प्लीट। एंड आई थिंक ये सेकंड लास्ट कस्टमर है इसके बाद भाई, क्योंकि टाइम भी हो ही चुका है लगभग। थैंक यू सो मच, यहाँ से भाई इसको कर देते क्लोज। एंड ये लास्ट कस्टमर है आज का, पानी की बोतल लगा दूँ क्या यार, जितनी लग रही हैं यहाँ पे भी तो है भाई पानी की बोतल, इसका मतलब मैंने सच में बहुत ज़्यादा मंगा ली थी भाई। ओके थैंक यू, ये लास्ट कस्टमर है भाई आज का हमारे। चीज़ है भाई, चीज़ भी ख़त्म ही हो गई है, चीज़ भी लगा देता हूँ ब्रो। कस्टमर आ रहे हैं बट भाई शॉप तो क्लोज्ड है अब। इनने कितने का सामान लिया है? लेट्स गो देखते हैं। $16.50 मेरे भाई। ओके चलो भाई आज का डे करते हैं कंप्लीट एंड देखते भाई डे 10 प्रॉफिट भाई हमारा हुआ ही नहीं, आज हम रहे लॉस में मेरे भाई, क्योंकि हमने अपग्रेड करा, रेंट लिया एंड सप्लाई कॉस्ट में हमारी काफी रही है। इनकम भाई 546 हुई थी बट भाई प्राइस भी उतना ही रहा हम लोग का। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, जिस जिसको ये एपिसोड पसंद आया भाई वीडियो में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना मेरे भाई जिस जिसको भी ये एपिसोड पसंद आया, एंड बताना यार। और भाई अगली वीडियो आ रही है क्रिकेट 24 का करियर मोड, तो भाई स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइक एंड सब्सक्राइब गोल कंप्लीट कर देना, लाइक गोल है भाई इस वाली वीडियो का 20 लाइक्स एंड कमेंट गोल है 10, तो जल्दी जाओ कंप्लीट करो अगले पार्ट के लिए मेरे भाई। थैंक यू सो मच, बाय, मिलता है अगली वीडियो में।